राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मंगलवार को जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। श्याम नगर इलाके में उनके घर के बाहर कुछ अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मारी है। और जयपुर के पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने जानकारी देते हुए बताया, तीन लोग यहाँ आए थे, बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया, तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10-1 मिनट उनके साथ बातचीत किया, 10-1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया, वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉस फायर के दौरान तीन हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो हम जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत, वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। क्या करता था? ये कोई दुकान करता है, कोई छोटा मोटा कपड़े का दुकान करता है। तो जो भी हो हम उसका उस लीड है, हमारे पास सीसीटीवी का फुटेज है, जो टोटल घटनाक्रम है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है। और अभी उसी का चल रहा है, हम जो जितना भी साक्ष्य और सूचनाएं हमारे पास है उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्हित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लानिंग किया है उधर तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे।